हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू और एक न्यू वीडियो के अंदर। सो गेमर्स, क्या हाल चाल, सब लोग कैसे हो? तो जैसे कि इस गेम्स के अंदर में इंडस की कुछ न्यू वेपन्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इंडस की कुछ न्यू गन स्कीन। भाई जैसे जैसे गेम्स के अंदर अपडेट आ रहे हैं भाई, उतना इंप्रूव हो रहा है। एंड नए नए गन्स एंड नए नए स्कीन एंड नए नए कैरेक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इंडस की कुछ न्यू गन स्कीन दिखाने वाला हूँ। वो भी दोस्तों इंडस की 3 वेपन्स की स्कीन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इंडस के 3 गन की स्कीन यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि इंडस का बैटल पास कब खत्म हो रहा है। सो ये जो स्कीन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ना, काफी यूनिक सा स्कीन है। हाँ, ऐसा स्कीन आई थिंक आप लोगों को देखा नहीं। बट यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, आई थिंक आप लोगों ने BGMI तो कभी ना कभी खेला होगा। एंड BGMI में M416 बोल के एक गन है एंड उस गन की एक स्कीन है जो ग्लेशियर बोला जाता है। ये जो गन स्कीन है ये देख सकते हो, इसी गन की स्कीन जो है भाई काफी खतरनाक स्कीन है ये। ये जो गन्स है भाई BGMI में ना भाई बहुत फेमस गन है ये ग्लेशियर, क्योंकि इसका जो फायरिंग है, इसका जो एनिमेशन है, किल एनिमेशन एंड इसका क्रिएट बॉक्स काफी कमाल का है। तो भाई इतना तो आपके मन में सवाल आ रहा है कि भाई मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इंडस के अंदर ना एक न्यू गन स्कीन देखने को मिलेंगी, वो भी दोस्तों ग्लेशियर की तरह। हाँ, जो BGMI में जो ग्लेशियर है उसी तरह यहाँ पर एक गन स्किन भाई सेम टू सेम यहाँ पर देखने को मिलेंगे हम। अब ये मत सोचो कि भाई सेम टू सेम मतलब पूरा ही सेम होगा, नहीं, थोड़ा सा तो इधर उधर होने वाला है। तो चलिए, कौन सा गन है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 3 गन स्किन यहाँ पर दिखाने वाला हो, तो कौन सा गन स्किन है चलिए दिखा देते हैं। सो जैसे कि यहाँ पर मैं गन्स के अंदर आ चुका हूँ, जैसे ये वाला लोकस आप देख सकते हो, इसी लोकस की और एक स्किन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो काफी कमाल का यूनिक सा दोस्तों स्किन यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें और एक गन की स्किन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये वाला गन देख, एंड गन का नेम यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्राइडेंट गन की और एक स्किन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ये स्किन भी काफी कमाल का स्किन है जो आने वाले अपडेट्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है टेम्पस गन की और एक स्किन मिलेंगे दोस्तों, इसी गन का टेम्पस गन का और एक ग्लेशियर स्किन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। काफी बढ़िया स्किन है, मतलब इसी टेम्पस गन की ना एक ग्लेशियर स्किन देखने को मिलेंगे जो मैं आप लोगों को ना ग्लेशियर गेम प्ले वीडियो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट दिखा देते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर लोकस गन की स्किन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्किन पे आप देख ही सकते हो भाई, काफी अनोखा स्किन है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। बट इसके अंदर जिस तरह का मेटेरियल यूज किया गया है जो आप देख के इसको समझ ही सकते हो, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो स्केलेटन भी यहाँ पर, हड्डियां वगैरह भी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर पंछियों का पंख वगैरह भी दिया गया है। एंड गन की जो सेटअप बोले ना भाई, काफी बढ़िया लगा मुझे ये गन्स। एंड इस गन का भाई स्क्रीन जब आएगा ना भाई, आप देख ही सकते हो इसका डिजाइन एंड लुक किस तरह से बनाया गया है। तो इसका मैं व्यू दिखाता हूँ पूरा, जैसे कि यहाँ पर इसका सेंटर व्यू आप भी देख सकते हो, जो किस तरह से इसको डिजाइन किया गया एंड किस तरह का यहाँ पर मेटेरियल यूज किया गया। भाई इस गन को देख के ना वैसा लग रहा है कि भाई पुराने जमाने के कुछ होते हैं ना भाई, कुछ उसी तरह लग रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताओ ये गन स्किन आपको लोगों कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पर और एक गन की स्किन में आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर ट्राइडेंट गन की और एक स्किन में आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये भी काफी कमाल का है। एंड ये स्किन तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एंड इसको देख के भाई आपको क्या लग रहा है कॉमेंट करके जरूर बताना प्लीज यार, कॉमेंट करके बताओ। क्योंकि इसके अंदर आप देख ही सकते हो किस तरह का इसमें फ्लावर्स यूज किया गया है, एंड इसमें कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, रेड एंड व्हाइट कलर का यूज किया गया है एंड गोल्ड कलर का यहाँ पर फ्लावर्स भी दिया गया है। काफी बढ़िया लुक्स आते हैं इस गन का। बट इसी स्किन का अगर आप बैक साइड देखोगे ना भाई, और भी अनोखा लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है दोस्तों ये फ्रंट साइड नहीं है, ये इसका बैक साइड है। मतलब बैक साइड देख के ऐसा लग रहा है कि तो भाई यही फ्रंट साइड है, मतलब इसी तरफ से गोली निकलने वाला, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो है इसका बैक साइड है, जो काफी बढ़िया सा लुक यहाँ पर दिया गया है एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन एंड देन फ्लावर्स वगैरह ये भी काफी बढ़िया लुक यहाँ पर लग रहा है। एंड यहाँ पर बैक साइड एंड फ्रंट साइड देख सकते हो, कुछ इस तरह का स्किन होने वाला है दोस्तों, काफी बढ़िया स्किन होने वाला है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टेम्पस गन की स्किन। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, टेम्पस गन के अंदर यहाँ पर एक ग्लेशियर स्किन यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए वो ग्लेशियर स्किन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एंड उस ग्लेशियर स्किन का गेम प्ले वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो टेम्पस गन की एक ग्लेशियर स्किन, गाइस देख ही सकते हो भाई इसके अंदर किस तरह का
एनिमेशन, देन इसके अंदर किस तरह का दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी ब्लू हो रहा है, जो काफ़ी कमाल का लुक यहाँ पर आता है। बट रुको रुको रुको, ये जो गन है एक्चुअली इसका नेम क्या भाई, ये तो नहीं रखा गया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो टैम्पस ही रखा गया, अभी तक इस गन का नेम नहीं रखा गया। जैसे कि आपको पता होगा ये जो स्किन यहाँ पर देखने को मिलता है, हम तो भाई ग्लेशियर की तरह यहाँ पर बोलना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो इस कलर कॉम्बिनेशन, देन इसके अंदर किस तरह का इलेक्ट्रिसिटी जो भाई ब्लो हो रहा है, जो काफ़ी बढ़िया लुक्स यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बट आपके मन में इतना सवाल आ रहा है, ये जो गन्स है इसके अंदर आपको कुछ एनिमेशन देखने को मिलेंगे। आई थिंक ऐसा मान लो कि जैसे आप फायरिंग करते हो तो कुछ अलग एनिमेशन, जैसे एनिमी पूरा किल कर देते हो, आई मीन ख़त्म कर देते हो उसको, तो कुछ अलग एनिमेशन भाई, ऐसा कुछ एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे या फिर नहीं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बट इस गन की बात करें तो भाई ये गन मुझे काफ़ी कमाल का लगा, क्योंकि ये गन देख के ना ऐसा BGMI का फील हुआ, क्योंकि BGMI के अंदर भी एक ग्लेशियर स्किन है एंड इंडस के अंदर भी हमें ग्लेशियर मिल रहा है। बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो, एक है BGMI, एक है भाई इंडस, दोनों का ही भाई अलग ही यहाँ पर सीन है। बट थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजिंग तो ज़रूरत है। बट बाकी अगर गन्स की बात करें तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये जो वाला जो स्किन है, आई मीन इसको ग्लेशियर ही भाई बोलना चाहता हूँ मैं। तो गेमर्स आप लोगों को क्या लगता है, ये ग्लेशियर है या फिर नहीं? तो इसका जो ग्लेशियर है कि नहीं भाई, इतना तो पता नहीं है, इसका नेम अभी तक रखा नहीं गया, बट बाकी स्किन काफ़ी कमाल का है। तो चलिए अब बता देते हैं जो ये जो गन्स है, इस गन के अंदर किस तरह का एनिमेशन हमें देखने को मिलता है, आई मीन किल इफेक्ट्स, क्रिएट बॉक्स एंड फिनिशिंग। तो यहाँ पर कुछ इस एनिमेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं, तो चलिए दिखा देते गेम प्ले के अंदर। सो जैसे कि यहाँ पर आप गेम प्ले देख सकते हो, तो गेम प्ले के अंदर हमें एनिमेशन देखने को मिलता है या फिर नहीं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर गेम प्ले देखा है, तो गेम प्ले के अंदर हमें अभी तक कोई भी एनिमेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ना किल इफेक्ट देखने को मिलता है, ना क्रिएट बॉक्स, जस्ट यहाँ पर स्किन दिया गया है। बट यहाँ पर एक सवाल आता है, मैंने अभी तक जितने भी सारे गन्स स्किन मैंने आपको दिखाया, टोटल 3 गन स्किन दिखाया, तो 3 गन स्किन अभी भी डेवलप्स में है, इसमें अभी भी डेवलप्स किया जा रहा है, तो आने वाले अपडेट्स के अंदर हमें ये गन स्किन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर गेम प्ले तो आपने देखा है, गेम प्ले के अंदर कुछ भी एनिमेशन यहाँ पर नहीं है, नॉर्मल जैसे गेम प्ले किया जाता है दोस्तों उसी तरह यहाँ पर गेम प्ले किया जा रहा है, कोई किल इफेक्ट वगैरह कुछ भी अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे जैसे अपडेट होंगे इंडस गेम के अंदर, ऐसे ऐसे इम्प्रूव होता रहेगा, तो यहाँ पर नए अपडेट के लिए हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। तो जैसे ही गेम्स के अंदर ये वेपन्स आ जाता है, मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं कि बैटल पास कब खत्म होने वाला, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था बैटल पास खत्म कब होगा। सो जैसे कि यहाँ पर मेरा लॉबी देख सकते हो, तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ बैटल पास कब खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बैटल पास आप देख सकते हो, तो बैटल पास के ऊपर जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 डे 56 मिनट यहाँ पर है, और आवर्स यहाँ पर देख सकते हो 0 है। तो मतलब इसका मतलब 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर दोस्तों 5 डे हो जाएगा, मतलब 5 दिन है आपके पास बैटल पास कंप्लीट करने के लिए। तो भाई जितने भी सारे बंदे ने बैटल पास परचेस किया है कंप्लीट करने के लिए सोच रहे, तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके पास दोस्तों 5 ही दिन है, 5 डे है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 49 मैंने कंप्लीट किया, 50 अभी तक हुआ नहीं है, बस 1 RP यहाँ पर बाकी है मेरा 50 कंप्लीट होने के बाद, जो ये मैं आज ही कर लूंगा। तो भाई जितने भी सारे बंदे ने बैटल पास परचेस किया है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कंप्लीट कर लो, क्योंकि इंडस का नया अपडेट्स आने वाला है। तो जैसे ही नए अपडेट्स आने वाले, तो नए गन्स भी हमें देखने को मिल सकता है, एंड इसके अलावा यहाँ पर नए नए फीचर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही भाई नए अपडेट्स आएंगे, तो मैं और एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा जो क्या क्या अपडेट्स किया गया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाई चैनल में जितने भी सारे बंदे नए हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।